So we were all continuing with law of conservation of mechanical energy, and we have seen in the absence of non-conservative forces, total mechanical energy remains constant. अगर कोई non-conservative force है, किसको कहते हैं, friction हो, damping हो, air resistance हो, your muscular forces हो, ये सब magnetic force हो, ये सब force की presence में क्या होता है, mechanical energy दूसरे form of energy में convert हो जाता है. अगर हम हाथ रगड़ते हैं, फ्रिक्शन है तो हीट जनरेट हो गया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. सो लाइक दैट इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. अगर वो नहीं है प्रेजेंट, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, क्योंकि आपकी लेवल की अंडरस्टैंडिंग में अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स सोचो. इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी रिमेंस कंजर्व, मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एट एनी टाइम. दोनों का सम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वो कांस्टेंट रहेगा. एंड आल्सो वी हैव लर्न दैट द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सेम एज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है. ठीक है, तो हम देखें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो मिलता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी गिव्स यू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. आपके पास पहले कितना रुपया था माइनस अब कितना रुपया है, तो कितना लॉस हुआ है पता चलेगा. लॉस वैसे पता करते हैं. सो दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली फाइनल माइनस इनिशियल गिव्स यू गेन. कितना गेन हुआ, पहले हमारे पास 50 रुपया था, अब है 100 रुपया. गेन कितना हुआ, 100 माइनस 50. गेन के लिए हरदम फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं. सो इट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. इसी कांसेप्ट को लेके हम करना चाहते थे. दूसरा कांसेप्ट जो हम लोग समझे थे कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय ग्रेविटी. ग्रेविटी वर्क करेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा नहीं. और क्या पढ़े थे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी. ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, ये हमें सब कुछ मालूम है. ठीक है, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं. सपोजिंग हम कहेंगे ये है कोई लेवल ऑफ रूफ, यहां से कोई एक बॉल को ऊपर फेंका गया से विथ ए काइनेटिक एनर्जी. यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना था, सपोज 100 जूल. अब जब वो बॉल गया यहां पर तक आया, इससे भी ऊपर गया होगा, काफी ऊपर गया, लेकिन जब यहां पर पहुंचा उसके पास काइनेटिक एनर्जी था से 60 जूल. दोबारा कोई एक दूसरा बॉल को फेंका गया विथ ए काइनेटिक एनर्जी, मान लो सेम मास का सेम बॉल को दोबारा फेंका गया कि ये कितने काइनेटिक एनर्जी में, सपोज इट इज थ्रोन विथ ए काइनेटिक एनर्जी 150 जूल. क्वेश्चन है कि जब वो यहां पे पहुंचेगा, ऊपर जा रहा होगा, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. इन फिगर शोन सेम बॉल वॉज थ्रोन ये केस वन है, ये केस टू है. फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट रूफ लेवल. काइनेटिक एनर्जी एट रूफ लेवल इन केस टू,
केस टू में रूप लेवल में क्या काइंड की एनर्जी होगा। आपको केस दिया गया है, ये केस दिया गया है कि यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी, पहला केस में काइनेटिक एनर्जी दिया है दोनों पोजीशन पे, दूसरे केस में पूछा है बताओ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस। क्या आपको समझ में आया? तो क्या कहेंगे बताओ, पहले सेम बॉल है, सेम मास है, इसका एम है तो इसका भी एम है। अब ये बॉल गया, ये बॉल गया, जब वो यहां से यहां पर गया कुछ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा, इस केस में भी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ होगा। कौन सा केस में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, केस वन और केस टू? सेम होगा, क्योंकि हमने बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, गेन इन पोटेंशियल जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट द वार्डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ये इधर जाते वक्त जितना गेन इन पोटेंशियल होगा, इधर जाते वक्त उतना ही गेन इन पोटेंशियल होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेम, मास इज सेम, वेट इज सेम। तो क्या लिखेंगे, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम इन बोथ केस, दोनों केस में इट इज सेम, बिकॉज सेम वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों ही केस में अगेंस्ट ग्रेविटी इक्वल वर्क हुआ है कि नहीं? समझ में आया? इसका मतलब हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द सेकेंड केस, क्योंकि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल गेन इन पोटेंशियल, इधर जितना गेन इन पोटेंशियल हुआ इधर भी उतना ही गेन इन पोटेंशियल होगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस क्या हो जाएगा भैया, 100 माइनस 60, दूसरे केस में इट इज 150 माइनस के ई, जो मुझे मालूम नहीं है ने? तो काइनेटिक एनर्जी क्या पता चल जाएगा, के ई इन द सेकेंड केस, कितना हो जाएगा सेकेंड केस का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, मिल गया इसमें से 40 कट गया तो भी 40 कट जाएगा, इससे पता चला के ई इन द सेकेंड केस रूफ लेवल में क्या मिलेगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 110 जूल्स। क्या मैं सबको समझा पाया? ठीक है, अगला क्वेश्चन, यहां से कोई एक बॉल को नीचे फेंका गया, ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में फेंका गया और इस बॉल ने नीचे आया, टकराया, वापस गया और ऊपर गया और ऊपर गया और यहां तक ऊपर गया फिर वापस आया, ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? जोर से फेंकेंगे तो नीचे आएगा, टकराएगा, ऊपर जाएगा, फिर आएगा। ये कितना ऊपर गया, ये सपोज ऊपर गया है कोई 10 मीटर, ये बॉल ऑफ मास 3 केजी वाज थ्रोन वर्टिकली डाउन, इट बाउंसेस फ्रॉम फ्लोर, इट बाउंसेस फ्रॉम फ्लोर, ये फ्लोर से बाउंस करने लगा, इट बाउंसेस फ्रॉम फ्लोर, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम फ्लोर विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, टू ए हाइट टेन मीटर एबोव रूफ, फाइंड भी क्वेश्चन है कि ये इसको कितने जोर से फेंकेंगे कि 10 मीटर ऊपर तक चढ़ेगा, बाउंस करेगा और जाएगा, छत का हाइट क्या है वो मालूम नहीं, व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूफ अबव द फ्लोर ये हमें मालूम नहीं है,
और हमें पता ये करना है कि कितने जोर से फेंकेंगे कि ये टकरा के अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा तो ये 10 मीटर हाइट तक चढ़ेगा फ्रॉम द रूफ लेवल, रूफ लेवल से 10 मीटर हाइट तक चढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? कितने जोर से फेंका गया था? इट वॉज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी, इट वॉज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी, स्पीड भी क्या है पूछा है। क्या बात समझ में आया? एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हियर 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 हर जगह बराबर हुआ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा, मतलब यहां पर जितना होगा यहां पर भी तो उतना ही होगा, है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ए बी और सी तक का मोशन का, कहेंगे फॉर ए टू सी मोशन, फॉर ए टू सी मोशन, ए टू सी मोशन में हम क्या कहेंगे, कुछ गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, क्योंकि यहां पर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, शुरू में तो कुछ काइनेटिक एनर्जी था मतलब लॉस हो गया, तो कुछ गेन हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, नहीं हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कितना हुआ, जो भी दिए थे सारा लॉस हो गया, एम वी स्क्वायर दे के छोड़े थे सारा गायब हो गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये इस हाइट से और ऊपर गया है, तो यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा यहां का पोटेंशियल एनर्जी उससे भी ज्यादा होगा, कितना होगा एम जी टेन। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, एम जी इंटू एच, कितने ऊपर तक गया, तो एम चाहे कुछ भी हो, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए 3 केजी दिया है, नहीं भी दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी को 10 ले लेते हैं, 100 इंटू 2 इज 200, वी स्क्वायर इज 200, सो वी इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आया, है ना, ये बात है। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये लोग घर में बैठे हैं ऑनलाइन में, वो लोग भी अनम्यूट करके बैठ सकते हैं ताकि वी कैन इंटरेक्ट। अब बार बार अनम्यूट करने के चक्कर में देर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहां से कोई एक बॉल को फेंका गया है, से इसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली ये बॉल कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, है ना, ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, और पता चला कि जब वो यहां से कुछ 5 मीटर हाइट में था तब उसके पास कुछ स्पीड था, नहीं बॉल को फेंका गया था मान लेते हैं कि 60 डिग्री एंगल में, दी बॉल वॉज थ्रोन एट 60 डिग्री एंगल, ए बॉल वॉज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए, ए बॉल वॉज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए विथ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स स्पीड एट बी, जब वो बी में पहुंचेगा उसका स्पीड क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज द स्पीड एट बी, ठीक है थोड़ा सोचें क्या होगा स्पीड एट बी, क्या आपके पास कुछ आइडिया मिल रहा है? हाँ, क्योंकि
टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो ए से बी तक जाने में उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा? ऊपर गया होगा तो स्लो हो गया होगा ना, नहीं? ऊपर गया होगा तो स्लो हो गया होगा, तो ये स्लो हो गया होगा तो ऑब्वियसली दे दीजिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कितना हुआ? शुरू में था हाफ एम 20 का स्क्वायर और अब कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है वही निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया जब वो यहां से यहां पर गया, इतना ऊपर तक गया है, तो इट इज इक्वल टू एम जी एच की जगह लिखेंगे 5 meters। अब ये एम चाहे कुछ भी हो ये कैंसिल हो गया और मिला आपको 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये जी है और इधर का 2 इधर गया तो 10 हो गया, 10 × 10 हो गया 100। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 20 का स्क्वायर माइनस 100, दैट इज 300। तो क्या होगा स्पीड? 10√3 मीटर पर सेकेंड। सो व्हेन इट इज एट बी इट्स स्पीड विल बी 10√3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। कैन वी हैव अ केस वेयर बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर इंक्रीजिंग? क्या ऐसा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, मतलब ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रहा है? आप जानते हो कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी बॉडी में आता कैसे? इट इज द वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सोचो तो कोई एक गैस बैलून, ये गैस बैलून को आप छोड़ दोगे एज इट इज लाइटर इट विल बी गेटिंग ए अपथ्रस्ट। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सीलरेट करेगा स्पीड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है और ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये हो सकता है, क्या लिखेंगे? यस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एग्जाम्पल हुआ एक गैस बैलून मूव्स अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड। हाँ, तो ये हो सकता है गैस बैलून ऊपर जा रहा है तो स्पीड भी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। तो सर क्या बोल रहे थे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अरे क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो कोई फोर्स है तो वार्डन बाय दैट फोर्स विल बी अगेन गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं, जैसे आप कहोगे कि ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस प्लेन पे कोई एक ब्लॉक रखा है, आपने 100 newton फोर्स लगा के इसको पुश करेगा, ये 1 kg का ब्लॉक है, तो ये एक्सीलरेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है क्योंकि वर अप्लाइंग ए फोर्स। समझ में आ गई नहीं है ये बात? ठीक है। तो कभी कभार दिमाग में कुछ गलत चीजें बैठ जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, कोई जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी एडिशनल एक्सटर्नल फोर्स अदर देन ग्रेविटी। नहीं, अच्छा ये भी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे ये कोई एक रॉड है, मास इसका m है, लेंथ इसका l है। अब इसको इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से छोड़ दिया गया। अब जैसे छोड़ देंगे ये सीधा हो जाएगा,
गिरेगा ऐसे तो सीधा हो जाएगा और ये घूमते हुए निकलेगा इधर से, नहीं ये घूमते हुए निकलेगा। तो जब ये मूव कर रहा है ड्यू टू इट्स मोशन इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी, बट ये काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला हमें मालूम नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यहाँ का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है? क्योंकि जितना समय में ये यहां से यहां पर आया उतनी समय में ये पॉइंट यहां से यहां पर आया, इसका मतलब ये पॉइंट का स्पीड ज्यादा था, ये पॉइंट का स्पीड कम था, अलग अलग पॉइंट का स्पीड अलग अलग था। तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी हियर। चलिए हमें पता करना है कि अगर ये बार को इस पोजीशन से रिलीज करते हैं तो जब तक ये आके इस पोजीशन में पहुंचेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखेंगे, द बार वॉज रिलीज्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। जब ये वर्टिकल हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो है जिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, निकालने का तरीका मालूम नहीं। लेकिन एक चीज मालूम है कि यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, जब यहां पर पहुंचा तो कुछ गेन हुआ है, जो गेन हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो था। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और आप चाहो तो कुछ ऐसे कह सकते हो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी। बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी काम करेगा उसका एनर्जी घटेगा। तो के ई टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ए फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्स्टेंट, इसके ऊपर जो फोर्स ग्रेविटी का आ रहा था यहां पर भी आ रहा था, यहां पर भी आ रहा था। वार्डन बाय ए फोर्स इज गिवन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स इज गिवन बाय एफ डॉट एस और एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ग्रेविटी कहां पे आ रहा था? एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि नहीं? तो ये पॉइंट कितना नीचे आया? यहां पर आया। अगर इसका लेंथ एल है तो ये कितना नीचे आया है? एल बाई टू, इज नॉट इट? ये अब एल बाई टू नीचे आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? इट इज कम डाउन बाई एल बाई टू। तो लॉस इन वाटर बाई ग्रेविटी कितना हुआ? एम जी, और उसके डिरेक्शन में कितना गया है? इस डिरेक्शन में कितना गया है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना गया है इस डिरेक्शन में? एल बाई टू। तो the kinetic energy of the bar at the vertical position will be mg into L by 2। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ? Yes। बोलो। velocity center of gravity का अगर निकालना पड़ेगा तो फिर तुमको निकालना पड़ेगा, ये rotational motion है, ये जो kinetic energy है इसको हम कहेंगे आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा निकलेगा, रॉड के ऊपर डिपेंड करता है, रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होता है, हाफ पीस ओमेगा स्क्वायर हो गया एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा दैट इज इक्वल टू दिस, वहां से आपको ओमेगा मिलेगा एंगुलर स्पीड, उसको एल बाई टू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर स्पीड मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको लीनियर स्पीड ऐसे नहीं मिलने वाला। कोई बॉडी अगर ट्रांसलेटरी मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर कह देते हैं, कोई बॉडी अगर घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दूसरा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है तो इसको ट्रांस रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में निकालना है और लिनियर काइनेटिक एनर्जी में निकालना है, दोनों को जोड़ना है, ठीक है, विच इज नॉट देयर इन योर स्कोप ऑफ डिस्कशन। क्या मेरी बात समझ में आया? स्पीड हम निकाल सकते हैं लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
बस हमें कंसेप्ट ये देखना है कि इस पोजीशन में पहुंचते वक्त क्या था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ इस केस में क्या होगा। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए बार, ये बार को हमने क्या किया, कुछ टेढ़ा करके पकड़ के रखा था, ये बार वाज हेल्ड लाइक दिस। चलिए मानते हैं कि इसका लेंथ L है और इसका मास M है और इसको हमने ऐसे बांध रखा था किसी छत के साथ और दिया गया है कि यहां पर कोई स्मूथ फ्लोर है। क्या ये स्मूथ फ्लोर है? ये स्मूथ फ्लोर है, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। अभी अगर हम ये थ्रेड को काटते हैं तो ये गिरेगा, गिरने के साथ साथ ये फिसलेगा भी नहीं। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बार, क्या लिखेंगे? इफ थ्रेड एट पी इज कट, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बार जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड। ग्राउंड को स्ट्राइक करने से जस्ट पहले बार का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? पहले तो था ही ना, था ही नहीं काइनेटिक एनर्जी, मतलब अब जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज व्हाट इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो आपको हो गए क्या, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो था इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्डन बाय ग्रेविटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इट इज सेम एज वर्डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का फोर्स कहां आ रहा था भाई, एट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज द वर्डन बाय ग्रेविटी, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज वेट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जब ये गिरेगा ये पॉइंट कितना नीचे आएगा, ये तो पूरा जमीन पे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा, जमीन पे आ जाएगा। जमीन पे आ जाएगा मतलब मतलब ये है भैया ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इज कॉल इट एच। तो आप कहोगे इट इज एम जी एच, जबकि एच क्या है, ये पूरा है एल बाई टू, ये थीटा है तो ये हो गया एल बाई टू साइन थीटा। एम जी एच की जगह लिखेंगे एल बाई टू साइन थीटा, सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी एम जी एल बाई टू साइन थीटा। क्या मैं समझा पा रहा हूं रुद्र? यस देवांश को समझ में आ रहा है? यस। चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक बार, सॉरी लेट मी थिंक ऑफ ए केस लाइक दिस। ठीक है, तो ये कोई एक मास m है और 2m है, चलो मानते हैं। और हुआ यूं है कि इसको किसी एक स्मूथ फ्लोर के ऊपर रख दिया गया है, ये स्मूथ फ्लोर है रख दिया गया है। अब क्या हुआ कि यहां पर कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा था जिसका मास m है और इसको हमने v0 स्पीड में फेंका, तो ये चढ़ा यहां तक और फिर वहां से वापस आ गया। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ कितना ऊपर तक चढ़ा। सपोज ये चढ़ गया टू ए हाइट h, जिस लेवल से हम लोग छोड़े थे उस लेवल से
एच हाइट तक चढ़ गया। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो जैसे छोड़ेंगे इसको फेंकेंगे, नहीं टोटल हाइट 2 मीटर नहीं, इसका मास m है, ये 2m है, मास इज 2m, ये भी एक ब्लॉक है, वेज है जिसका मास है 2m, ये, और ये जो ब्लॉक है इसका मास है m। समझ में आ रहा? जैसे ये चढ़ेगा इसके ऊपर, तो चढ़ गया इसके ऊपर, नहीं यहां तक चढ़ा और फिर से यहां से वापस आया। पूछा है कि कितना ऊपर तक चढ़ेगा बताओ, जब इसको हम फेंके हैं कितने जोर से, भी जीरो स्पीड में। क्या लिखा है क्वेश्चन को थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आपको मैं छोटा कर देता हूं। अच्छा नेगलेक्ट फ्रिक्शन एट ऑल कॉन्टैक्ट, सारे कॉन्टैक्ट में फ्रिक्शन को भूल जाओ। द ब्लॉक थ्रोन फ्रॉम ए राइजेस अप टू बी, फाइंड वैल्यू ऑफ एच, कितना ऊपर तक चढ़ेगा। देखो पहला वाला हिस्सा हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसे हो गया है ऊपर की तरफ, मतलब अगर ये हिस्सा पूरा ही पूरा हॉरिजॉन्टल रहता, ये ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाता, पूरा सीधे की सीधे एक स्लैब होता, तो क्या होता, जैसे आप इसको फेंकोगे, क्योंकि कोई फ्रिक्शन नहीं है, खाली यही फिसलते हुए चलेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो इसके ऊपर, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे होता, नीचे वाले स्लैब के ऊपर फ्रिक्शन ऐसे होता, जैसे इसको धक्का देंगे उसके साथ साथ ये जो स्लैब है वो भी स्लाइड कर जाता, लेकिन फ्रिक्शन तो है नहीं। कोई स्मूथ टेबल पे कोई ब्लॉक को फेंकोगे तो ब्लॉक फिसल के जाएगा, टेबल क्यों जाएगा? फ्रिक्शन होता तो एक दूसरे को पकड़ के खींच लेते, फ्रिक्शन तो है नहीं, मतलब ये जो ब्लॉक अभी यहां पर स्लाइड कर रहा है उसके चलते ये मूव नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये चढ़ने लगेगा, जैसे ये वाला हिस्सा पे ये ब्लॉक चढ़ने लगेगा, तो ये वाला हिस्सा इसके ऊपर एक फोर्स देगा, तो ये भी इसके ऊपर एक फोर्स देगा, नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स, और वो जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ये वाला इसका एक ऐसा कॉम्पोनेंट रहेगा जो कि इसको ढकेलेगा, इधर जब ये चढ़ने लगेगा ये भी ढकेलते हुए आगे निकल जाएगा, मतलब जब ये हाईएस्ट पॉइंट में है ये रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है कौन, बड़ा वाला मास, क्या बड़ा वाला अकेला मूव कर रहा है? नहीं, ये तो उसके साथ चिपक के है, बी पॉइंट में भी छोटा वाला मास बड़े वाले के साथ चिपक के बैठा है, अगर बड़ा वाला मूव कर रहा है तो छोटा वाला भी मूव कर रहा है, मतलब दोनों मूव कर रहे हैं। ध्यान में रहे कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा वेलोसिटी ऑफ बी इज नॉट जीरो, फिर कैसा है, जीरो नहीं, किधर को और वेलोसिटी तो और नहीं चढ़ता, नहीं 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 इधर को नहीं है, लेकिन इधर को तो है क्योंकि इसके साथ चिपक के दोनों मिलके चल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मैं अगर इस फिगर को ढंग से बनाऊं तो मैं बनाऊंगा ऐसे, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन मैं दोनों को दिखाना चाहता हूं। पहला पोजीशन में ये बात कुछ ऐसा था, थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि यू आर एबल टू फॉलो इट, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हुआ पहला पोजीशन जब ये चलने लगा था, सॉरी, और ये था आपका दूसरा पोजीशन, दो में केस टू दिखा रहा हूं, वो ऐसा है। पहला पोजीशन में यहां पे ब्लॉक नहीं था, अरे ये ब्लॉक यहां पे नहीं था, क्या हो गया, पहला पोजीशन में ब्लॉक यहां पे नहीं था, लेकिन दूसरे पोजीशन पे हुआ क्या, ब्लॉक बी तक चढ़ गया है, ब्लॉक यहां पे नहीं था, पहला पोजीशन में
ब्लॉक चल रहा था और दूसरे पोजीशन में ब्लॉक के साथ ये दोनों मिलके चल रहे थे, है कि नहीं? क्योंकि चढ़ा तो इसको पकड़ के खींच के ले रहा है, फिर यहां से फिसल के आएगा वो बात की बात है, हमें तो बात पता करना है कि जब वो हाइस्ट पॉइंट में पहुंचेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलोगे तब ना? यस। इसका मतलब जब वो हाइस्ट पॉइंट में था क्या उसका वेलोसिटी जीरो था? नहीं, वो सिंपली उतना ही पूछ लेंगे, ए ब्लॉक इज थ्रोन व्हेन द ब्लॉक रीचेस द हाइस्ट पोजीशन, काइंडली कैन यू जस्ट बी इज जीरो और नॉट? नो इट इज नॉट जीरो, ये इसके साथ मिलके आगे जा रहा है, क्योंकि अगर अकेला ये जाता ये नहीं जाता तो ये तो उससे टच छोड़ जाता है, मिलके जा रहा है उसके साथ, मतलब दोनों मिलके जा रहे थे, दोनों के पास बराबर वेलोसिटी। और यहाँ पे बी का ये ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वेज का भी वही वेलोसिटी, बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी बीडेस। क्या मेरी बात समझ में आया? यस। तो अगर ये पूरे को हम सिस्टम मानते हैं तो इनके बीच में जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स हो गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं आया, एंड वी नो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या ये चीजें आप लोगों को मालूम है? नहीं, मोमेंटम कंजर्व रहता है। अच्छा, इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियली तो ये अकेला ब्लॉक मूव कर रहा था। फाइनल मोमेंटम क्या था? दोनों मूव कर रहे थे, 2m और m, मतलब 3m मूव कर रहे थे विथ ए वेलोसिटी v डैश। क्या यहां से आपको पता चला कि v डैश इज इक्वल टू v नॉट बाई 3? यस। मतलब जब वो हाइट पॉइंट में होगा उससे पता चला कि v डैश इज v नॉट बाई 3। बस ये तो बड़ी चीज आप समझ गए, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। दो चीज है कि हाइट पॉइंट में पहुंचने के बाद दोनों मिलके चल रहे होंगे। तीसरा हुआ, अगर इसको और इसको मिला के मैं सिस्टम मानता हूं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है, उन दोनों के बीच में आपस का फोर्स है, बट दैट्स इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब यहां पर जितना मोमेंटम था यहां पर उतना ही मोमेंटम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर एक्सटर्नल फोर्स कैसे नहीं आ रहा है? इज नॉट ए ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग हियर, इट इज एक्टिंग। लेकिन सेकेंड लॉ क्या कहता है? व्हेन ए फोर्स एक्ट्स द बॉडी अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है कि नहीं? और इनका जो वेट है इज नॉट इट एन एक्सटर्नल फोर्स? यस। तो एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में बदलेगा, क्योंकि यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं था, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, और यहां पर ये चढ़ रहा था तो देयर वाज सम मोमेंटम इन द वर्टिकल डायरेक्शन आल्सो बिकॉज देयर इज सम फोर्स एक्टिंग। लेकिन हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स का, क्या ये सिस्टम के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? टू बी मोर पर्टिकुलर आई लाइक एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स। हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो था वही रहेगा, क्योंकि फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम बदलेगा। सेकंड लॉ में न्यूटन जी महाराज ने बोले नहीं, देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। कितना था? एम वी नॉट। अब कितना है? 2m 3m * v डैश, और इससे पता चला कि v डैश इज v नॉट बाय 3। अब ये अकेला जा रहा था, इसको साथ में लेके जा रहा है, देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इज ए गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, आपको हो गए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ? मतलब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूरा सिस्टम का, पहले क्या काइनेटिक एनर्जी था बाद में क्या काइनेटिक एनर्जी है, डिफरेंस इज द लॉस, नहीं? और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किसका हुआ है? 2m वाला वेज का हुआ है कि m वाला ब्लॉक का हुआ है?
सी ब्लॉक का वेस्ट तो जमीन पर भी खड़ा है, तो हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का हुआ है चढ़ा है ऊपर एज, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था भैया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था ये जो ब्लॉक है वो वी नॉट की स्पीड में जा रहा था, इट वॉज गोइंग विथ स्पीड वी नॉट। फाइनली पूरा का पूरा 3m वी डैश वाले स्पीड में जा रहे थे, है कि नहीं? तो थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कहेंगे ये हाफ एम वी नॉट की स्क्वायर माइनस हाफ 3m वी डैश था वी नॉट बाई 3 का स्क्वायर, वी डैश का वैल्यू वी नॉट बाई 3 हमें मालूम है, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को आप जबरदस्ती बाहर ले लो, अंदर रहेगा 1 माइनस रह गया ये 3 का स्क्वायर 3 है तो 1/6। क्या बात समझ में आया? इसको बाहर ले लिए आ गया 1, यहां से भी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को ले लिए 6 नहीं आएगा, ये 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 3, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर है 3 खा गया इसके साथ, तो इट इज 2/3, 2/3 कर दिए तो इट इज कमिंग आउट टू बी कितना, इट इज कमिंग आउट टू बी 2/3 करो तो इट इज 1/3 एम वी नॉट का स्क्वायर एम जी एच इज इक्वल टू दिस, तो एच का वैल्यू वहां से निकल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट? यस सर, ये तो चीजें समझ में आ रहा है, तुम लोग अच्छे बच्चे हो क्लास में आज, वो बाकी लोग नहीं आए तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करवा रहे हैं, रजनिया को समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन सोना गर्म होने के बाद मार खाने के बाद आकार लेता है, लेकिन नहीं सर ठंडे ठंडे में करिए कुछ जैसे मुश्किल ना हो तो उसमें बनता नहीं है कुछ। तो ये हो गया आपका H का वैल्यू कितना, H इज कमिंग आउट टू बी G को डिवाइड करो इट इज वी नॉट स्क्वायर बाय 3G। क्या मैं समझा पा रहा हूं? चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन करोगे तो सीखोगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, ये है कोई एक वेज जिसका मास है चलो मानते हैं कि 3m और इसके ऊपर बैठा है कोई एक ब्लॉक जिसका मास है m, हाइट कितना, हाइट है h, और हुआ यूं है कि ये जो वेज है ये पूरा का पूरा किसी एक स्मूथ प्लेन पे रखा गया है, इट्स केप्ट ऑन ए स्मूथ प्लेन। अब क्या होगा कि ये जो ब्लॉक है इसको अगर आप यहां से छोड़ दोगे, अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो होगा क्या, ये जो ब्लॉक है ये फिसल के आने लगेगा, जैसे ये फिसल के आने लगेगा नीचे पहुंचेगा तो फिसलने लगेगा, फाइनली कुछ समय के बाद देखोगे ब्लॉक फिसल के आया और इधर भाग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? बताना आपको ये है कि जब ये ब्लॉक फिसलते हुए आया और आके यहां पे कहीं पहुंचा तो आप कहोगे कि ये जो ब्लॉक है उस ब्लॉक का वेलोसिटी या स्पीड कितना होगा। क्या बात समझ में आ गया? पहले बताओ, the block fizzles down from the top of the wedge and it reaches the ground, it is moving with certain speed v, neglecting friction, find out v। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को थोड़ा लिखते हैं। इन फिगर सोन द ब्लॉक slides from position A what will be its speed and
we neglect friction. कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, स्मूथ है। हाँ, फ्रिक्शन होता तो चीजें बड़े डिफिकल्ट बन जाती। एनीवे, अब हो क्या रहा है, देखो हो क्या रहा है कि शुरू शुरू में तो ये ब्लॉक कुछ ऐसा पोजीशन में था। क्या आपको समझ में आता है कि जब ये ब्लॉक यहां से फिसल के ये आके पहुंचा कुछ यहां पे नीचे, तब ये ब्लॉक तो और यहाँ पे है नहीं, भगाओ इसको यहाँ से, ये ब्लॉक और यहाँ पे है नहीं। ब्लॉक जब यहाँ से फिसल के नीचे पहुंच चुका है तो ब्लॉक के पास कुछ मोमेंटम है कि नहीं, हो जा रहा है। लेकिन अगर ये पूरे को हम सिस्टम मान लेते हैं, इनके बीच में जो खिंचातानी था, जो भी फोर्स था, वो इंटरनल फोर्स था, बाहर से कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आया नहीं। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, the horizontal momentum will remain conserved, क्योंकि second law कहता है जब भी force आएगा तभी momentum बदलेगा, force नहीं तो momentum नहीं बदलेगा। जब भी force आएगा momentum बदलेगा in the direction of force, है कि नहीं? second law क्या कहता है? whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force, such that the rate of change in momentum is equal to magnitude of force। मतलब अगर horizontal force नहीं है तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ अगर इसके पास कुछ मोमेंटम है तो पहले तो कोई मोमेंटम नहीं था सिस्टम में, अब कुछ मोमेंटम है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आया नहीं है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा क्या, जब ये इधर भागेगा ये इधर भी कुछ वेलोसिटी में भागने लगेगा। और अगर प्रैक्टिकली सोचे तो जब ये फिसल रहा था ब्लॉक, ये ब्लॉक के ऊपर ये वेज ने एक फोर्स ऐसे दिया, तो वेज के ऊपर एक फोर्स ऐसे दिया, इस फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट भी रहेगा जिसको इधर को पुश करेगा। आप कोई अगर मान लो ऐसा वेज के ऊपर पाउंड डाल दोगे, ये पिचक के भागेगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि यू आर गिविंग सम फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो ये ब्लॉक भी फिसल रहा था तो आप कहोगे ये भी ये चलने लगा होगा, मतलब जब ये ब्लॉक भाग रहा होगा ये भी कुछ वेलोसिटी में भाग रहा होगा। लेकिन तरीका हमें मालूम है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम नहीं बदलेगा। पहले जब ये यहां से चलना शुरू किया किसी के पास कुछ भी स्पीड नहीं था, मोमेंटम जीरो था, तो अभी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। कैसे जीरो होगा? इसका इधर को जितना मोमेंटम होगा इसका इधर को उतनी ही मोमेंटम होगा, तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम अब भी जीरो है क्योंकि वेक्टर है, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर को जोड़ने से जीरो होता है। तो इसका मतलब इसका इधर को जितना मोमेंटम है इसका इधर को उतना ही मोमेंटम है। क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आया? यस 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 यस। तो क्या लिखेंगे? एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी On the system. The total horizontal momentum is conserved. क्या देवांश को भी समझ में आया? हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? इनिशियल मोमेंटम कुछ भी मूव नहीं कर रहा था। नाउ फाइनल मोमेंटम मस्ट बी जीरो, मतलब ये इधर को जितना मोमेंटम में जा रहा है ये इधर को उतने ही मोमेंटम में जा रहा होगा, दोनों का मोमेंटम मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। नहीं, मास इंटू वेलोसिटी दोनों का बराबर रहेगा, इसको इधर को जितना होगा इसका इधर को उतना ही होगा। इससे पता चला v/3, क्योंकि मैं 3m दिया था, 5m दे सकता था, 10m दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। क्या ये समझ में आया? तो जब ये नीचे आएगा, अगर ये v स्पीड में जा रहा होगा ये v/3 में जा रहा होगा, तो क्या लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है? हाँ हुआ है। किसका हुआ है? वेज का कि ब्लॉक का? ब्लॉक का। वेज तो अपनी जगह है जमीन पे,
गेन इन काइंड एनर्जी हुआ है? हाँ हुआ है। किसका हुआ है, ब्लॉक का कि वेव का, दोनों का। तो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, जो भी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आपके सामने, कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का हुआ है हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, और जो वेस्ट था उसका हाफ 3m v डैश का स्क्वायर। सिमिलर कुछ क्वेश्चन हो गया। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ ब्लॉक का हुआ है, कितना नीचे आया, h नीचे आया, तो आपको इट इज इक्वल टू mgh। ये m बड़ा तंग करता है यार, बड़ा दुख देना तेरी m ने। उसे कोई गाना है रट्टू, ओ राम जी बड़ा दुख दिया तेरे, एम को कैंसिल करो, बच गया कौन, वी जीरो का स्क्वायर बाय टू प्लस थ्री बाय टू, वी डैश की जगह लिखोगे वी जीरो बाय थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, और हमें वी जीरो चाहिए था वो मिल गया, तो ये टू को इधर ले लो, टू जी एच हो गया, और ये हो गया थ्री, थ्री को खा गया थ्री वी नॉट बाय थ्री, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डरो मत। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेना चाहिए। समझ में आया? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, स्कूल वाले नहीं पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा आपको कंसेप्ट दे दिया गया, बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो मतलब आपको समझ में आया है, ये कोई एक मास है 4 kg का और ये जा रहा था कुछ 8 m/s में, अब क्या हुआ कि 8 नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे 5 m/s में, ये 5 m/s में जा रहा था, 5 m/s भी काफी ज्यादा स्पीड होता है, तो ये करीब करीब 18 km/h ने, और यहां पर कोई एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था 6 kg का, सब कुछ किसी एक स्मूथ सरफेस पे घट गया, कहानी स्मूथ सरफेस की है। अगर ये 4 kg वाला मास भैया जाके टकराया किसके साथ बताओ, ये टकराया जाके 6 kg के साथ और चिपक गया, सपोज 4 kg वाला मास स्ट्राइक 6 kg एंड उसके साथ चिपक जाता है, तो कि दोनों मिलके चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे। व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या आप लोग वो मोमेंटम वाला कंसेप्ट को यूज कर पाते हो क्या, वही मैं जानना चाहता हूं। तो पहले ही जितना जोर से जाएगा चिपक जाने के बाद स्लो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कुछ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, फाइंड द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बस खाली इतना देखना चाहता हूं कि आप मोमेंटम को यूज करके कर पा रहे हो चीजों को। इफ 4 kg स्ट्राइक्स एंड स्टिक्स टू 6 kg एट रेस्ट, फाइंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए बताइए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिचुएशन हुआ यूं है कि अब केस कुछ अलग है, और इसमें
आपका 4 kg 6 kg दोनों मिलके चलने लगे हैं। अब हुआ कहानी ऐसे कि ये 4 kg जाके मिल गया है 6 kg के साथ, और मिलने के बाद दोनों मिलके चल रहे हैं ऐसे। नाउ दे मस्ट बी मूविंग टुगेदर, दे मस्ट बी मूविंग टुगेदर। और आपको पता ये करना है कि जब वो मिलके चल रहे होंगे पक्का उतने स्पीड में तो जा नहीं रहे होंगे, उससे कम स्पीड में जा रहे होंगे। पूछा है कि बताओ व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब पहले क्या काइनेटिक एनर्जी था माइनस, अब क्या काइनेटिक एनर्जी है। अब क्या काइनेटिक एनर्जी है जानने के लिए हमें वीडियोस जानना जरूरी है, वीडियोस कितना है जानना जरूरी है। अच्छा तो इनके ऊपर जो भी फोर्स आ रहा है सब वर्टिकल आ रहा है, वेट हो नॉर्मल रिएक्शन हो, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो है नहीं। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स इनके ऊपर नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल नॉट चेंज, यहां का मोमेंटम बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली क्या था, ये अकेला जा रहा था कितने में 4 × 5 में, और बाद में दोनों जा रहे हैं कितने में वीडीएस में, और इससे पता चला कि वीडीएस इज 2 m/s। समझ में 20/10 2 m/s। अब यहां पे कहानी खत्म हो गया। पूछा है कि कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, वो कितना लॉस हुआ, पहले कितना था अब कितना है, डिफरेंस निकाल दो लॉस पता चल जाएगा, पूछने वाली बात थोड़ी है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली क्या था, ये अकेला जा रहा था कितना था, हाफ 4/5 का स्क्वायर। अब क्या है, दोनों जा रहे हैं मतलब हाफ 10 वीडीएस मतलब 2 का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करिए तो ये था 50 माइनस ये कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 30 जूल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। क्या सबको समझ में आया, तो वर्क एनर्जी पावर का बच्चों वाला किस्सा आपको मैं सुना दिया, अभी पावर वाला पार्ट बाकी है। व्हाट इज पावर है ना, व्हाट इज पावर ये भी हमें समझना है। पावर क्या होता है, इसका यूनिट वाट, एग्जाम में पूछ लेगा तो तेरा भट लग जाएगा, नहीं नहीं भट लग जाएगा, वो भट लग जाएगा होता है, समझ में आ रहा है। जो कहते हैं ना वट लग गया, वो वट नहीं लगा है, क्या लगता है वो भट का मतलब क्या है, सब बोलते हैं ना एग्जाम में वो मेरे को भट लग गया यार, वो एक टैक्सिंग सिस्टम था, मजे मजे में लोग कहां कहां पर जोर देते थे, जोड़ने वालों को समझ में नहीं आता था कि कहां यूज कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ तो ये पावर मुझे समझाने के लिए करीब करीब 45 मिनट्स का क्लास, 1 घंटे का क्लास चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि नाउ आर टाइम विल परमिट अस, आप लोग घर में बैठे हो लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं उनको घर जाना है, सब कोई ऑनलाइन होते तो और आधा घंटा खींच लेते। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे, लेकिन भागना मत, हम लोग नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग थोड़ा सेट कर लेंगे कल के लिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।